हेलो गाइस, सेविंग पॉइंट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए हमारे पास दो कमेंट आए थे, जिसमें पहला कि अगर हम 500 रुपये की SIP शुरू करते हैं तो कितने टाइम के अंदर 1 करोड़ रुपये का फंड बन सकता है और SIP के लिए कौन सा फंड है जो बढ़िया रहने वाला है। वहीं दूसरा कमेंट कि हम 2 लाख रुपये लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सा फंड बढ़िया रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको SIP के लिए बेस्ट फंड और उसकी कैलकुलेशन बता देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर लमसम की डिटेल देखेंगे। दोस्तों, SIP का पावर मतलब जो कंपाउंडिंग का पावर है वो यहाँ पर आपको दिखेगा इस वीडियो में कैलकुलेशन के साथ में, क्योंकि मात्र 500 रुपये की SIP आपको यहाँ पर करोड़ों रुपए का जो फंड बनाकर दे सकती है। तो मान लीजिए दोस्तों, आपको एक SIP स्टार्ट करनी है 500 रुपये मंथली और आपकी एज फिलहाल 25 से लेकर 30 साल के समथिंग है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास बहुत सारा टाइम है इन्वेस्टिंग के लिए। यानी यहाँ पर पैसा तो आपका कम इन्वेस्टमेंट होगा, बट टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होने से कंपाउंडिंग का ज़बरदस्त आपको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था विद एग्जांपल कि अमाउंट से ज़्यादा अगर आप टाइम का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको पावर ऑफ कंपाउंड्स का जो मैजिक पता चलेगा। ये वाला वीडियो है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप जरूर देखें। तो अगर आप लॉन्ग टर्म तक ऐसे भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों स्मॉल कैप फंड्स काफ़ी बढ़िया फंड रहेंगे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों लगभग सभी म्यूचुअल फंड AMC के बहुत सारे स्मॉल कैप फंड हैं। बट आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट रहेगा, क्योंकि दोस्तों आप SIP सिर्फ मंथली 500 रुपये की कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों SIP के लिए निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड काफ़ी शानदार फंड है। इसमें आप मंथली 500 रुपये से SIP है वो शुरू कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करके देखें, उससे पहले निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की जो बेसिक डिटेल है वो देख लेते हैं, रिटर्न्स और होल्डिंग्स वगैरह। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों इसमें फंड साइज की, तो वो यहाँ पर दोस्तों 45,749 करोड़ रुपये का है, यानी इतने पैसे लोगों ने इस फंड में जो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। फंड के खर्चे की बात करें यानी एक्सपेंस रेशियो की, तो ये 0.79% का है। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों वो खर्चा होता है जो आपके पैसों को मैनेज करने के लिए AMC आपसे जो चार्ज करती है। अब होल्डिंग्स में यहाँ पर दोस्तों मार्केट कैप वाइज होल्डिंग्स की बात करें तो इस फंड का 13% पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट किया गया है, 14% पैसा मिड कैप में और स्मॉल कैप के अंदर 68% पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है। यानी यहाँ पर दोस्तों आपका लगभग 25% पैसा है वो थोड़ा सा सिक्योर इन्वेस्टमेंट होगा और बाकी पैसा दोस्तों यहाँ पर जो वॉलेटाइल यानी कि जो काफ़ी हाई रिस्क की स्टॉक्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। यानी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से जो डाइवर्सिफिकेशन किया गया है, जिसमें अगर हम सेक्टर एलोकेशन वाइज बात करें तो कैपिटल गुड्स के अंदर 19%, फाइनेंशियल सेक्टर में 12%, सर्विसेज के अंदर 11% और हेल्थ केयर सेक्टर में 8% पैसा है वो इन्वेस्टमेंट किया गया है। जिसमें अगर हम दोस्तों टॉप होल्डिंग कंपनी की बात करें तो यहाँ पर ट्यूब इन्वेस्टमेंट, HDFC बैंक, अपार इंडस्ट्रीज, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे टॉप स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है। बात करें इसके रिटर्न्स की, तो पिछले 10 साल का अगर हम ऑल टाइम एवरेज रिटर्न देखें तो वो यहाँ पर 26% से जो ज़्यादा के बना कर दिए हैं। चलिए, ये हुई दोस्तों यहाँ पर बेसिक डिटेल, अब कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो मान लीजिए आप 500 रुपये की SIP शुरू करते हैं, रिटर्न्स ऑल टाइम का 26% है, बट हम एग्जांपल के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 25% का यह जो एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई भी गारंटी नहीं होती है, यहाँ पर रिटर्न्स ज़्यादा भी मिल सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो अलग अलग टाइम पीरियड में बात करें दोस्तों 10 साल के टाइम पीरियड की, यानी 500 रुपये मंथली SIP करने पर 10 साल में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा 60,000 रुपये, जिस पर आपको 2,06,000 का एस्टिमेट रिटर्न मिल जाएगा। यानी आपके पास टोटल कैपिटल बनेगा वो 2,66,000 रुपये का 10 साल में। जबकि दोस्तों यहाँ पर थोड़े से टाइम पीरियड यानी कि इस टाइम पीरियड को डबल कर लेते हैं तो 20 साल के टाइम पीरियड में 1,20,000 मात्र आपका इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन उस पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 33,09,000 रुपये का। यानी पहले 10 साल में कितना मिल रहा था, 2,06,000, लेकिन दूसरे 10 साल में बढ़कर कितना हुआ, 33,09,000। यानी दोस्तों 20 साल में आपके 500 रुपये की वैल्यू 34,29,000 रुपये हो जाएगी। जबकि दोस्तों यहाँ पर 25 साल के टाइम पीरियड में देखें तो 1,50,000 आपका इन्वेस्टमेंट होगा, जिस पर 1,17,27,000 रुपये का जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा। यानी जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो 25 साल बाद 1,18,77,000 रुपये। वहीं दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म तक यानी कि अभी आपकी एज मान लीजिए 20 साल है और आप आने वाले 30 साल तक लगातार है जो 500 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 30 साल में 1,80,000 मात्र आपका इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 4,08,07,000 रुपये का। यानी फाइनल वैल्यू मिलेगी वो 4,09,27,000 रुपये की। अब यहाँ पर मान लीजिए आप अपने फ्यूचर के लिए या फिर आप रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हर महीने आने वाले 35 साल तक 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 2,10,000 रुपये। लेकिन उसकी जो फाइनल वैल्यू बनेगी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 14 करोड़ रुपये का जो आपके पास फंड बन जाएगा आने वाले 35 साल बाद। अब यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए रिटर्न्स कम भी मिलते हैं तो भी आपके पास यहाँ पर 10 करोड़ रुपये का जो फंड होगा। अब मान लीजिए इसमें जो इन्फ्लेशन रेट को अगर आप एडजस्ट करेंगे तो भी यहाँ पर करीब आपके पास आधा पैसा यानी कि 5 करोड़ रुपये का फंड होगा मंथली सिर्फ 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करने पर। जैसे मैंने बताया दोस्तों, मान लीजिए 25% की जगह अगर आपको 20% का ही रिटर्न मिलता है तो भी आपके पास लॉन्ग टर्म में 3 करोड़ रुपये का फंड बन जाएगा मात्र 500 रुपये से। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर SIP की कैलकुलेशन। अब आपकी जो इनकम बजट है उसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो 500 रुपये की जगह 1,000, 2,000, 5,000 रुपये की SIP भी कर सकते हैं। बात करें लमसम की तो यहाँ पर SBI का लार्ज एंड मिड कैप फंड काफ़ी शानदार फंड है जिसका ऑल टाइम रिटर्न 17% से ज़्यादा के हैं। अगर आप वहाँ पर दोस्तों मान लीजिए 2,00,000 रुपये वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए यानी आने वाले 25 साल के लिए, तो आपके 2,00,000 रुपये की वैल्यू बढ़कर यहाँ पर है जो 1 करोड़ रुपये हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है तो स्मॉल कैप के मुकाबले इसमें रिस्क है वो काफ़ी कम होगा। देखिए रिस्क अगर आप ज़्यादा लेंगे तो रिटर्न भी आपको है जो ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सेफ साइड जाएंगे तो फिर रिटर्न यहाँ पर 14 से लेकर 15% तक ही मिलेंगे फॉर लॉन्ग टर्म में। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल की बात करें तो मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा 1 साल से पहले विड्रॉल करते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड चार्ज देना होता है। जबकि म्यूचुअल फंड में टैक्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं तो आपको 15% का टैक्स देना होता है, और 1 साल के बाद विड्रॉल करने पर और मान लीजिए आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 1,00,000 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट होता है यानी आपको रिटर्न्स मिलता है तो ऐसे में आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं मात्र 500 रुपये की SIP आपको आने वाले 35 सालों में 14 करोड़ रुपए का जो फंड बनाकर दे सकती है। तो ये होता है दोस्तों SIP का पावर, कंपाउंडिंग का पावर। अब मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हैं लेकिन आप एक बिगिनर्स हैं यानी कि आपको स्टॉक मार्केट का कोई भी नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस लें, देन उसके बाद ही अपना पैसा है जो इन्वेस्टमेंट कराएं। क्योंकि दोस्तों अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको लॉस भी हो सकता है। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप रिसर्च करने के बाद ये जो पैसे इन्वेस्टमेंट कराएं। वहीं यहाँ पर दोस्तों इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अगर आप मंथली सिर्फ 450 से 500 रुपये पे करते हैं तो आप यहाँ पर 1 करोड़ रुपये का टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों मान लीजिए आपके साथ कुछ भी हो जाता है और आपने टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है मात्र 500 रुपये मंथली देकर, तो आपकी फैमिली को 1 करोड़ रुपये का जो टर्म लाइफ कवर दिया जाएगा बिल्कुल, जिससे वो है जो फ्यूचर में सर्वाइव कर पाए। तो अगर अभी तक आपने अपना कोई भी इंश्योरेंस प्लान बाय नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जिस पर क्लिक करके आप अपने अनुसार प्लान है वो देख सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही यहाँ पर सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के रिगार्डिंग लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।